गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू JPS ऑनलाइन क्लासेस। सो ये वीडियो है क्लास थर्ड के बच्चों के लिए। क्लास थर्ड के जो बच्चे हैं वो अपनी साइंस की बुक निकाल लीजिए, EVS की बुक आपकी। चैप्टर 1 लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 7, टिक द करेक्ट आंसर, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स। तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दी थी इसकी वर्ड मीनिंग, ठीक है। इसके वर्ड मीनिंग हम कर चुके हैं, आई थिंक लगभग 13 वर्ड मीनिंग थी। तो वो 13 वर्ड मीनिंग आपको फेयर कॉपी में उतारना है, उसके बाद में टिक द करेक्ट आंसर से ए नंबर से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग। इसमें से नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हैं? तो प्लांट्स तो लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे, हमको पता ही है। एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं। वुड, वुड का मतलब होता है लकड़ियाँ। लकड़ियाँ क्या सांस लेती है? लकड़ियाँ चलती है, बोलती है? नहीं। तो लकड़ियाँ जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, मतलब जो सी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारा, तो सी नंबर पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। बी नंबर पे आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल थिंग। नेचुरल थिंग क्या है? नेचुरल थिंग आपको बी ए नंबर पे दे रखा है स्टार, है ना, स्टार यानी कि जो आसमान में स्टार रहता है वो। सेकंड नंबर पे कार एंड थर्ड नंबर पे ब्रिज। इसमें तो मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कार और ब्रिज तो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, बट जो स्टार है वो नेचुरल थिंग है ना, स्टार थोड़ी ना किसी ने बनाया है, तो वो नेचुरल थिंग है, तो उस पर हमने टिक कर दिया, ठीक है। थर्ड नंबर पे दिया है लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, और तीन ऑप्शन दे दिया आपको, मूव, ग्रो एंड बोथ। बोथ यानी ए और बी बोथ। तो लिविंग थिंग्स मूव भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा बोथ, बोथ यानी दोनों। तो उस पर हमने टिक कर दिया है ना, ए एंड बी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है आपका फिश ब्रीथ थ्रू। फिश जो है वो सांस किसके द्वारा छोड़ती है? तो लंग्स के, फेफड़ों के द्वारा छोड़ती है क्या? नहीं। गिल्स, यस, हमने पढ़ा है कि जो फिश है वो गिल्स के द्वारा अपनी ब्रीथ थ्रो करती है, तो गिल्स पे हमने टिक लगा दिया। और थर्ड है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा तो होता ही नहीं है उसमें, है ना, होता। फाइव नंबर का है इंसेक्ट हैव फिल इन द ब्लैंक्स टू ब्रीथ। इंसेक्ट को ब्रीथ करने के लिए काय की ज़रूरत होती है, उसके पास ऐसा क्या होना चाहिए ब्रीथ करने के लिए? तो हमने पढ़े हैं एयर होल्डर्स, टेनी होल्डर्स, टेनी होल्स यानी कि छोटे छोटे छेद होना चाहिए जो इंसेक्ट कीड़े होते हैं उनको ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो इसमें फिट हो ही नहीं रहा है, मोर यानी ज़्यादा होता है और गिल्स तो फिश में होता है, ठीक है। तो ये तो था आपका टिक द करेक्ट आंसर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर पे आपको दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपका लिविंग थिंग्स फिल इन द ब्लैंक्स यूज फ्रॉम फूड दे ईट टू वर्क। लिविंग थिंग्स एनर्जी का यूज़ करते हैं वर्क करने के लिए और खाना खाने के लिए, ठीक है। वर्क करने के लिए लिविंग थिंग्स को काय की ज़रूरत होती है? एनर्जी की ना। एनर्जी नहीं होगी जब तक वो वर्क कैसे करेंगे? तो इसका आंसर आएगा एनर्जी, ठीक है। सेकंड नंबर का है एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च फॉर। एनिमल्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्यों जाते हैं, क्या सर्च करने के लिए जाते हैं? तो एनिमल्स जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ऑब्वियसली खाना सर्च करने के लिए जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा फूड, ठीक है। क्या सर्च करने के लिए जाते हैं वो लोग? फूड। मॉस्किटो इस एग हैच इनटू मॉस्किटो एग हैच, हैच से वो काय में कन्वर्ट होता है, तो लार्वा में कन्वर्ट होता है। हमने डायग्राम में पढ़ा है कि पहले वो एग रहता है, एग से वो हैच बनता है और देन वो लार्वा में हैच इनटू कन्वर्ट होता है लार्वा में, तो इसका आंसर आएगा लार्वा, ओके। फोर्थ नंबर पे उन्होंने दिया है लिविंग थिंग्स आर खालिस्तान टू लाइट। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव होते हैं, लिविंग थिंग्स जो होते हैं सेंसिटिव टू लाइट। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, हमने पढ़ा है ना, लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव टू लाइट। सो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। फाइव नंबर पे हमने पढ़ा, फाइव नंबर पे उन्होंने दिया है प्लांट्स ब्रीथ थ्रो टेनी होल्डर्स ऑन देयर लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, प्लांट ब्रीथ थ्रो स्टोमेटा, ठीक है। फाइव नंबर पे उन्होंने दिया ऑल लिविंग थिंग्स नीड फिल इन द ब्लैंक्स टू लीव। ऑल लिविंग थिंग्स को काय की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए?
ब्रीथ की ज़रूरत होती है और लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए सांस की ज़रूरत होती है ना, जब तक वो सांस नहीं लेंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीथ की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। सी नंबर पे राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। सी नंबर पे आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए हैं, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट दिया है उन्होंने, ऑल लिविंग थिंग्स आर लिविंग थिंग्स, ऑल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स। वो ये बोल रहे हैं क्या सभी चीज़ें लिविंग थिंग हैं? नहीं, ये तो गलत है, सभी चीज़ें लिविंग थिंग नहीं है, कुछ चीज़ें लिविंग थिंग है और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग है, तो ये तो फॉल्स है हमारा, ठीक है। सेकंड नंबर पे वो बोल रहे हैं अ पपी डज नॉट ग्रो इनटू अ डॉग। पपी डॉग, वो बोल रहे हैं पपी जो है वो डॉग में कन्वर्ट इनटू नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन पपी डॉग में चेंज होता है। जिस तरीके से बेबी एडल्ट में चेंज होता है उसी तरीके से पपी डॉग में भी चेंज होता है। हमने चैप्टर में पढ़ा है ना कि जिस तरीके से ह्यूमन बींग होता है, ह्यूमन बींग पहले बेबी रहता है, फिर एडल्ट बनता है, फिर ओल्ड बनता है, उसी तरह जो डॉग होता है वो पहले पपी रहता है और फिर डॉग बनता है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों, कुत्ते के बच्चे देखे ना, पपी के छोटे छोटे डॉग के जो पपीज़ रहते हैं वो छोटे पपी रहते हैं, उसके बाद डॉग बन जाते हैं कि नहीं, तो ये भी गलत है। थर्ड नंबर पर वो पूछ रहे हैं प्लांट्स डू नॉट नीड फूड। प्लांट्स को खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? हर लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है, हर लिविंग थिंग्स खाना खाएगा जब भी तो जिंदा रहेगा, खाना खाएगा जब भी तो उसमें एनर्जी आएगी, क्लियर। तो सभी लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है, तो ये भी आपका फॉल्स है ना। प्लांट्स अपना खाना बनाते भी हैं और खुद बनाते हैं, हमने पढ़ा है ना चैप्टर में। फोर नंबर पे उन्होंने पूछा है लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स, क्या लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं? यस, करते हैं ग्रो, राइट है ये, है ना। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं, तो यस हमने पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही है स्टेटमेंट, तो इस पर हमने ट्रू लगा दिया है, यानी कि राइट लगा दिया है, ठीक है। फाइव नंबर पे वो बोल रहे हैं लिविंग थिंग्स डाई। लिविंग, क्या लिविंग थिंग्स मरते हैं? ये स्टेटमेंट भी सही है, यदि कोई चीज़ लिविंग थिंग्स है वो जिंदा है तो वो एक ना एक दिन मरेगी भी। सबका लाइफ साइकिल होता है, याद है हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सभी चीज़ों का लाइफ साइकिल होता है। कोई चीज़ें अगर जन्म लेती है तो वो मरती भी है, उनका लाइफ साइकिल फिक्स्ड होता है। प्लांट्स का भी 6 महीने सेशन बाय सेशन होता है, हम ह्यूमन बींग्स का ईयर में कन्वर्ट रहता है, हम ईयर्स में जीते हैं, है ना। इंसेक्ट कुछ महीने जीते हैं, कुछ एनिमल्स कुछ ईयर जीते हैं, तो हर लिविंग थिंग्स का एक लाइफ साइकिल होता है, और हर लिविंग थिंग्स जिंदा जन्म भी लेता है और मरता भी है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो हमने ट्रू का यानी कि राइट का निशान लगा दिया। सिक्स नंबर पे है वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। क्या हम ब्रीथ गिल्स की हेल्प से लेते हैं? तो इसमें हम वी लिखा यानी हम सभी आ गए, लेकिन ब्रीथ गिल्स की हेल्प से तो सिर्फ फिश लेती है, और यहाँ पे ऐसा कुछ तो उन्होंने लिखा नहीं है कि फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, तो करेक्ट होता, लेकिन उन्होंने लिखा है वी ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ ग्रीथ। क्या हम गिल्स की मदद से सहायता रहते हैं? गिल्स तो फिश में होती है, ह्यूमन बींग्स में तो होती नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये तो सभी में नहीं बैठ रहा है ना, क्योंकि फिश ही गिल्स की मदद से ब्रीथ करती है। हम तो हमारे लंग्स की सहायता से, नोज़ की सहायता से हमारी ब्रीथ करते हैं, इंसेक्ट एनी हॉल्ड्स की सहायता से ब्रीथ करते हैं, ओनली फिश जो है वो गिल्स की मदद से, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमने इसमें फॉल्स लिख दिया, फॉल्स यानी रॉन्ग कर दिया, ठीक है। सेवन नंबर पर वो पूछ रहे हैं बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर फंस। ट्रू है ये स्टेटमेंट, जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं किसकी हेल्प से करते हैं? फैन, उनके जो फैंस होते हैं उनकी हेल्प से करते हैं ना, फंस की हेल्प से, उनके जो पंख होते हैं, पंख आप बोलते हैं, उसकी हेल्प से ही करते हैं ना फ्लाई। तो ये थे आपके टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। आपको आज ये फिनिश करना है, आपकी फेयर कॉपी में उतारना है इसको, ठीक है। पहले एक काम करना, पहले अपनी बुक में भर लेना, समझ के पहले टिक कर लेना, फिर इन द ब्लैंक्स भर लेना एंड ट्रू फॉल्स टिक कर लेना या ट्रू फॉल्स भर लेना, देन आप लोग करने बैठना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बार बार आपको वीडियो ऑन जाके ढूंढना ना पड़े और वीडियो बार बार देखना ना पड़े, ठीक है। थैंक यू।